टिप्पणी करते हैं, शोधा टिप्पणी करते हैं। मैंने एक प्रयोग किया मित्रों कि इन सारी टिप्पणियों को कुछ मैंने सुन ली, कुछ मुझ तक मेरे मित्रों द्वारा पहुंच गई, मैं उन सबको इकट्ठा कर लिया और कोई बात बनी। मेरा मन यह है कि मैं वो कविता आप लोगों को सुनाऊं। वो टिप्पणियां मैंने इकट्ठी की हैं और मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि अगर मेरी बात आप तक पहुंचे या मैं कुछ कह पाया हूं अपनी बात के साथ अपनी कविता में, तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मन में आप ये बात रखें कि मैं एक सम्मेलन में गया, वहां श्रोताओं ने मुझे देखा और कुछ टिप्पणियां की। यही सवाल शुरू करता हूं। देखें देश की स्थितियां क्या हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें। कोई बात बनती हो तो आपका स्नेह आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। कि जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए, जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर है। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा। किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोड़ने के काम आता होगा। किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोड़ने के काम आता होगा। इसी बीच एक श्रोता ने शंका जताई कि भगवान ही जाने आज कवि सम्मेलन कैसे हो पाएगा, इसके मंच पर चढ़ते ही मंच टूट नहीं जाएगा, इसके मंच पर चढ़ते मंच टूट नहीं जाएगा। और मित्रों अगली पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहिए, एक बारीक सा व्यंग देखें कि इसके मंच पर चढ़ते मंच टूट नहीं जाएगा। हमने उस श्रोता को अपने पास बुलाया, उसे बड़े प्यार से समझाया कि आराम से बैठो दोस्त, मंच नहीं टूटेगा। हम पूरी तसल्ली करके आए हैं, आयोजकों ने थोड़ी देर पहले हमें इस मंच पे एक रस्सी में बंधे हुए 24 हाथी बिठा के दिखाए हैं। इस मंच के तख्ते भारतीय जनता की तरह सिर्फ थोड़ा सा चरमराते हैं, लेकिन बोझ कितना भी हो सारा सह जाते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन बोझ कितना भी हो सारा सह जाते हैं। इसी बीच एक श्रोता एक बाल्टी में दूध लेकर आया, और हमारे फूले हुए पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला कि भगवान उस दिन तो हमें मौका ही नहीं मिल पाया, आज हम सबके सामने आपको दूध पिलाएंगे। और गणेश जी ने वास्तव में दूध पिया था, सबको दिखाएंगे। हमने सोचा दूध पीते पीते आज हम निपट जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही श्रोता दूध लाया है, इसकी देखा देखी ये सारे श्रोता दूध लाएंगे, इतना दूध हम कैसे पचा पाएंगे। भले वीरेंद्र सिंह महाराज जी का आगमन, आपकी तालियां प्रतीक्षा रखते हैं। और हमारा सौभाग्य कि वे इस समय दर्शक दीर्घा में श्रोताओं के बीच बैठे हुए हैं। असीम जी की हास्य की कविता चल रही है, असीम जी अपनी कमजोरी और दुबले पतपन की बातें कर रहे हैं। स्वागत करें आप, ये इतने दुबले पतले व्यक्ति हैं असीम जी। जी इसी बीच एक श्रोता एक बाल्टी में दूध लेकर आया और बोला भगवान उस दिन तो हमें मौका ही नहीं मिल पाया, आज हम सबके सामने आपको दूध पिलाएंगे। और गणेश जी ने वास्तव में दूध पिया था, सबको दिखाएंगे। हमने सोचा दूध पीते पीते आज हम निपट जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही श्रोता दूध लाया है, इसकी देखा देखी ये सारे श्रोता दूध लाएंगे, इतना दूध हम कैसे पचा पाएंगे, क्योंकि हम पत्थर के नहीं चलते फिरते इंसान हैं, और फिर हम आदमी हैं वो भगवान हैं, इनका क्या, ये तो भारतीय जनता के लोग हैं, इन्हें अंधविश्वास जैसे हजारों रोग हैं, ये धर्म के नाम पर दूध क्या खून में नालियों में बहा सकते हैं और देवताओं की खातिर दूध मुए बच्चों को भूखा छोड़। इनका क्या, ये तो भारतीय जनता के लोग हैं, इन्हें अंधविश्वास जैसे हजारों रोग हैं, ये धर्म के नाम पर दूध क्या खून में नालियों में बहा सकते हैं और देवताओं की खातिर दूध मुए बच्चों को भूखा सुला सकते हैं। यही सब सोचकर हम जान बचाकर भागने लगे, और जब भागने का रास्ता नहीं मिला तो मंच के चक्कर काटने लगे, हमें मंच के चक्कर काटता देख एक श्रोता बोला अबे देख सड़क टूटने का इंजन स्पोर्ट कार की तरह रेस लगा रहा, दूसरा बोला रेस वेस कुछ नहीं, ये इन सारे कवियों का बेवकूफ बना रहा है, और मित्रों अगली पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहिए कि ये इन सारे कवियों का बेवकूफ बना रहा है। तू ही बता
कवि सम्मेलन के पंडाल में कोई रेस क्यों लगाएगा, इसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ये किसी न किसी कवि की चप्पल चुराएगा, ये किसी न किसी कवि की चप्पल चुराएगा। उसकी बात सुनकर हम बोले, क्या बात करते हो दोस्त, क्या हम इन गरीब कवियों की चप्पल चुराएंगे, क्या बात करते हो दोस्त, क्या हम इन गरीब कवियों की चप्पल चुराएंगे, अगर चप्पल ही चुरानी है तो किसी मंदिर या मस्जिद में जाएंगे, किसी मंदिर या मस्जिद में जाएंगे। वो बोला, वहाँ आपको जूते या चप्पल कहाँ मिल पाएंगे, वो बोला वहाँ आपको जूते या चप्पल कहाँ मिल पाएंगे, जूते और चप्पल तो संसद और विधानसभाओं में चलाए जाते हैं असीम जी, मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं। बहुत सुंदर है असीम जी, मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं, वहाँ मत जाइएगा वरना आपको भी मिलेंगे AK-47 के धमाके और नेताओं के नारे, क्योंकि आजकल पूजा के नहीं राजनीति के काम आते हैं मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे। बहुत सुंदर है। क्योंकि आजकल पूजा के नहीं राजनीति के काम आते हैं मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे। हमने कहा, छोड़ो यार, क्यों इन पवित्र स्थानों को राजनीति से जोड़ रहे हो, ये तो हमारे भाईचारे का प्रतीक है, क्यों हमारे भाईचारे को तोड़ रहे हो, इसी भाईचारे से तो देश का गौरव बढ़ता है। वो बोला, नहीं असीम जी, देश का गौरव तो उन रथ यात्राओं से बढ़ता है जिनका पहिया सबसे पहले भाईचारे की छाती पर चढ़ता है, जिनका पहिया सबसे पहले भाईचारे की छाती पर चढ़ता है, जिनका पहिया सबसे पहले भाईचारे की छाती पर चढ़ता है। तभी तो आप और हम जैसे लोग रोज किसी रैली की रेल में कटकर, किसी ढांचे के मलबे में दबकर, किसी ट्रेन की आग में जलकर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आप नहीं जानते कि हमारे नेता कुर्सियों की भूख में किस कदर आदमखोर हो रहे हैं, आप नहीं जानते कि हमारे नेता कुर्सियों की भूख में किस कदर आदमखोर हो रहे हैं। हमने कहा, छोड़ो यार, क्यों इन सीधे साधे लोगों पर बेमतलब के आरोप लगा रहे हो, जो शरीफ लोग शहीदों के कफन जैसी पवित्र चीज खाते हो उन्हें आदमखोर बता रहे हो, जो शरीफ लोग शहीदों के कफन जैसी पवित्र चीज खाते हो उन्हें आदमखोर बता रहे हो। आदमखोर तो वो होता है मेरे दोस्त जो आदमी की लाश खाता है और जो केवल कफन से काम चला ले वो नेता कहलाता है, जो केवल कफन से काम चला ले वो नेता कहलाता है। आप इन नेता नामक जंतुओं को हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर कवि इन्हीं जंतुओं को अपनी कविता को रोमेटियल मानते हैं, इन्हीं जंतुओं को अपनी कविता को रोमेटियल मानते हैं, इन्हीं जंतुओं को अपनी कविताओं को रोमेटियल मानते हैं। आप ही बताइए कि अगर अटल जी ने सबके सामने घुटने टेक टेक कर अपने घुटनों का नाश ना किया होता तो उनकी चाल में ये कथकली वाले ठुमके कहाँ से दिखते, मतलब अगर वे कुर्सी के सामने नहीं नाचते तो हम जैसे हास्य के कवि कविता किसी विषय पे लिखते, श्रोता बोला कि हास्य की छोड़ो, वीर रस की बताओ कि वीर रस के कवियों को इन नेताओं ने क्या दिया है। हमने कहा, मित्रवर, वीर रस के बारे में ना पूछें, वीर रस के कवियों को इन नेताओं ने दी हैं दो दो सूबों की पुलिस के सामने तनी हुई एक अकेले वीरप्पन की मूछें, तनी हुई एक अकेले वीरप्पन की मूछें। वीरप्पन का नाम सुनते ही हमारे एक कवि मित्र बोले कि अपहरणों के इस दौर में वीरप्पन का नाम मत लो यार, वरना पछताओगे, कवि सम्मेलन से घर नहीं पहुंचोगे, रास्ते में ही नागप्पा हो जाओगे, कवि सम्मेलन से घर नहीं पहुंचोगे, रास्ते में ही नागप्पा हो जाओगे। हमने कहा, बेफिक्र बैठिए, अपहरणकर्ता हमें नहीं उठा पाएंगे, वे क्या हमारा अपहरण करने के लिए मारुति की जगह क्रेन लेकर आएंगे, और अगर ले भी गए तो हम नहीं वही पछताएंगे, क्योंकि हमें देखते ही वीरप्पन अपने आदमियों से एकदम गब्बर सिंह वाले अंदाज में पूछेगा, क्यों बे, ऐसे कितने आदमी थे जो ये पूरा का पूरा ग्लोब उठा लाए, लाने से पहले ये तो सोचते ये हमारे किस काम आएगा, ये क्या किसी पार्टी का नेता है जो हमें हर बार पुलिस से बचाएगा, अबे ये तो देखते इसका क्या हाल है, इसका क्या पता एक टाइम में कितना खाएगा, इसके लिए खाना कहाँ से आएगा, हमारी बात सुनकर श्रोता बोला कि अच्छा अच्छा असीम जी, हम आप समझे कि आप अपना पेट इस कदर क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वीरप्पन से बचने के लिए आजकल कौन सी चक्की का खा रहे हैं, और मित्रों फिर एक व्यंग्य देखें कि आजकल कौन सी चक्की का खा रहे हैं। हमने कहा, कौन सी चक्की बताएं यार, हम तो भ्रष्टाचार की चक्की में पिसे हुए, अभावों की रोटी खाते हैं, हमें खाने के लिए गेहूं चावल दाल और चना कहाँ मिल पाते हैं। वो बोला, फिर क्या घास खाकर इस कदर भूल रहे हैं। हमने कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि घास तो आजकल कुछ खास किस्म के जानवर खाते हैं जो बिहार की विधानसभा के आसपास पाए जाते हैं,